बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है फंजाई या फंगी। बच्चों, इसको किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहते हैं क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को जो है वो डिकम्पोज करके ना सिर्फ अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल भी करती है और वही न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फंगस की। देयर आर अबाउट 1 लाख स्पीशीज ऑफ फंजाई। अब तक जो स्टडी की गई है फंगस की स्पीशीज वो 1 लाख हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल हैं फंगस में। फॉर एग्जांपल, सम फंजाई आर पैथोजेनिक्स, कुछ फंजाई जो हैं बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो रस्ट है, स्मट एंड वीट, रस्ट एंड स्मट ऑफ वीट एंड कॉर्न। दूसरी टाइप जो है वो मोल्ड्स में है, यानी कि फफूंदी। ग्रोज ऑन द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड द फूड स्टफ्स। ये फफूंदी जो है या मोल्ड्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ्स पे और जो हैं क्रॉप्स वगैरह पे जो हैं ग्रो करती हैं। देयर आर सम डिलीशियस फंजाई, फॉर एग्जाम्पल ट्रफल्स एंड मॉरल्स। कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा डिलीशियस ईडेबल्स फंगस हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रफल्स एंड मॉरल्स। देयर आर कमर्शियल यूजेज ऑफ सम फंजाई, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फंजाई। फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। इट इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। यीस्ट यूज्ड इन बेकरीज एंड बेवरीज, और इसमें फंगस की एक और टाइप है यीस्ट जो कि बेकरीज में और ब्रेवरीज वगैरह में तमखीर वगैरह में जो है वो इस्तेमाल होती है। फंजाई आर यूकैरियोट्स हैं। देयर बॉडी ऑफ द फंगस इज कंपोज्ड ऑफ हाइफा। जो फंजाई की बॉडी है वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक, वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल है, विच इज नोन एज हाइफा। द हाइफा मे बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। हाइफा जो हैं सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी। सेप्टेट हाइफा वो होते हैं कि उनके अंदर क्रॉस वॉल्स होती हैं, छोटी छोटी पार्टीशंस होती हैं, और नॉन सेप्टेट मतलब उसमें जो है वो सिंगल एक सेल होता है, उसमें सेप्टेशन नहीं होती। ओनली यीस्ट इज विदाउट हाइफा। सिर्फ जो है वो यीस्ट एक्सेप्शनल केस है कि उसमें हाइफी नहीं होते। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि फंगस की नॉन स्पीशीज कितनी हैं, ये जो है वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। यीस्ट जो है एक्सेप्शनल एक टाइप है फंगस की जिसमें कि हाइफा नहीं होता। द बॉडी ऑफ द फंगस इज कंपोज्ड ऑफ हाइफा। द हाइफा मे बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। ओनली यीस्ट इज विदाउट हाइफा। फंगस की बॉडी जो है उसको हाइफा कहते हैं, और हाइफी जो है वो सेप्टेट भी हो सकती है और नॉन सेप्टेट भी, और ओनली यीस्ट जो है वो नॉन हाइफल टाइप है। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। ये क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी जो फूड है वो खुद नहीं बना सकते, लेकिन कैसे अपना फूड हासिल करती हैं? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खुराक एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें ऐसे एंजाइम्स जो है वो सेक्रीट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं, फिर अपने ये एब्जॉर्प्टिव हाइफा के जरिए जो है वो उस ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो है जमीन में रिलीज कर देते हैं। फंगस एज डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया। सम फंजाई आर पैरासाइट एंड सम आर सिम्बियोटिक। कुछ फंजाई जो है वो पैरासाइट्स होते हैं और कुछ है सिम्बियोटिक होते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों किसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है। द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज कंपोज्ड ऑफ काइटन एंड काइटन इज रेजिस्टेंट टू डिके। और ये काइटन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये खुद डिके नहीं हो सकता। फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटन की बनी हुई है। फंगी लैक सेंट्रियोल्स। इसमें जो है वो सेंट्रियोल्स नहीं होते, दे आर नॉन मोटाइल, और ये जो है नॉन मोटाइल हैं। फंगी स्टोर सरप्लस फूड इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन। और इसमें एक एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्टोर्ड फूड जो है ये लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। द सेल्स ऑफ द फंगी डिवाइड बाय न्यूक्लियर माइटोसिस। सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं? बाय द न्यूक्लियर माइटोसिस। इन न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट डिसअपियर। उसमें होता क्या है
कि आमतौर पे जो हम माइटोसिस स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है, लेकिन फंगस में जो है न्यूक्लियर जो माइटोसिस होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर नहीं होती।